नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। कैंसर ऐसी बीमारियों में से एक है जो न केवल लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी अस्वस्थ बनाती है। कैंसर उन बीमारियों में से एक है जो समय के साथ फैलता है और ज़्यादातर मामलों में यह इलाज योग्य नहीं है। हालांकि समय बदल गया है और इसलिए चिकित्सा विज्ञान है, इसलिए कई लोग कैंसर पर जीत हासिल कर रहे हैं और इस भयावह बीमारी से बच रहे हैं। ऐसी ही कुछ हस्तियों के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि जीवित हैं और अपने क्षेत्रों में अच्छा कर सक्सेस हासिल कर रही हैं। ऐसे ही कुछ पीड़ित और कैंसर को मात दे देने वाले प्रसिद्ध सेलेब्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही उनके सक्सेसफुल चेंज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक चीजों में से एक है कैंसर का निदान। इस बीमारी ने कई लोगों की जान ले ली है और अभी भी इसे दुनिया में एक बुरा सपना माना जाता है। सिर्फ आम लोग ही इस घातक बीमारी के शिकार नहीं हैं, बल्कि बॉलीवुड हस्तियां भी कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उचित चिकित्सा की मदद से वे बच गए और इनमें से कई कैंसर को मात देने की तैयारी में हैं। पहले नंबर पे हैं सोनाली बेंद्रे, जो कि 90 के दशक की अभिनेत्री हैं और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले नवीनतम नामों में से एक हैं। उन्होंने हाल ही में ये घोषणा की है कि उन्होंने कैंसर को मात दे दी है और यह नतीजा देकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बेहद मजबूत महिला हैं। हालांकि उन दिनों को याद कर सोनाली आज भी भावुक हो जाती हैं जब वह अंडर ट्रीटमेंट थी, जिस दौरान उन्हें अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दूसरे नंबर पे हैं वैश्विक स्टार इरफान खान, जिन्होंने कुछ महीने पहले यह घोषणा की कि वह न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से पीड़ित हैं। फिलहाल वह लंदन में उपचाराधीन हैं। चौथे नंबर पे हैं मनीषा कोइराला, जो कि 90 के दशक की अभिनेत्री रही, जो इस घातक बीमारी से पीड़ित रही। वर्ष 2012 में उन्हें डिमग्रथी के कैंसर का पता चला था। कई सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद वह बीमारी से बच गईं और वर्ष 2015 में पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो गईं। पांचवें स्थान पर हैं लीजा रे, जो कि बॉलीवुड सुंदरी हैं और वह पीड़ित थी माइलोमा नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर से। उन्होंने वर्ष 2009 में एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया और उन्हें अगले ही साल कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि यह बीमारी उपचार योग्य है, लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य नहीं है। छठे स्थान पर है अनुराग बासु, जो कि बॉलीवुड में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें वर्ष 2004 में कैंसर का पता चला था। 3 साल की लंबी लड़ाई के साथ अनुराग पूरी तरह से कैंसर मुक्त हैं और उद्योग के लिए महान फिल्में बना रहे हैं। सातवें नंबर पे हैं आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप, जिनको आज भारत की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक माना जाता है। अपने नुकसान और स्थिति पर रोने के बजाय वह अपने स्तन कैंसर से बचने के लिए संघर्ष कर रही हैं और अपने कठिन संघर्षों से संबंधित कई ट्वीट पोस्ट कर रही हैं और भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। गंभीरता से हमारे देश को ताहिरा जैसी महिलाओं की जरूरत है, जो लोगों को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जिंदगी कुछ ऐसी ही है जिसमें अच्छा बुरा हर इंटरवल पर आता ही रहता है, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से कई कैंसर पीड़ित बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी दिन प्रतिदिन की इवेंट्स से ये साबित करते ही रहते हैं कि भले ही वे बेहद गंभीर समय से जूझ रहे हैं, लेकिन उस गंभीर समय में भी खुश रहने का हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इससे हमें वास्तविक तौर पर इंस्पायर होना चाहिए और हर समय में कुछ खुशी के पल खोज ही लेने चाहिए।